हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना जो होता है उसका क्या कारण होता है। अब कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को फिगर से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये इसका नेगेटिव साइड और ये इसकी पॉजिटिव साइड, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ एटम या आयन जिनसे ये बना हुआ है वो बना लेते हैं। एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हम इस मेटल को देते हैं, तो इसके ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना एक स्टोरी याद रखो आप, इलेक्ट्रॉन जैसे अपना एक पाथ चूज कर लेते हैं कि हमें बस यहाँ से जाना है और यूं जाना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल इसके आइडेंटिकल बिहेवियर करेगा, वो भी इसी रास्ते से जाएगा। तो उस टाइम पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एक कोरेंट क्लाउड बना लेते हैं। दैट मीन वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल बिहेवियर करने लग जाते हैं और उस टाइम पे जो आयन या एटम वाइब्रेट कर रहे हैं उनके वाइब्रेशन का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और कोलिजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और कोलिजन अगर खत्म हो जाए तो कोलिजन पे ही डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा कंडक्टर का। द काज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी से टकरा के आ रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम या आयन से टकरा के आ रहा था, अब ऐसा नहीं होता। बट बिकम म्यूचुअली डिपेंडेंट, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली डिपेंडेंट बन जाते हैं एंड कोरेंट, एक दूसरे के बिल्कुल कोरेंट हो जाते हैं व्हेन द क्रिटिकल टेम्परेचर इज रीच्ड। जब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हम इसको ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं। द आयनिक वाइब्रेशन विच कुड डिफ्लेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल आर अनेबल टू डिफ्लेक्ट दिस कोरेंट और कोऑपरेटिव क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर। और जो आयनिक वाइब्रेशन इसके ऊपर प्रभाव डाल सकता था वो अब ऐसा नहीं करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। दिस मीन द कोरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक नो कोलिजन, और जो कोरेंट क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का अब वो एटम या आयन के साथ कोलिजन नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी को फॉलो कर रहा है। जैसे चींटियाँ आपने देखी होंगी एक लाइन में चलती हुई, सब एक दूसरे को फॉलो करके जाती हैं। विद आयन ऑफ द सुपर कंडक्टर एंड देर इज नो रेजिस्टेंस, तो हैंस इस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस मेटेरियल के अंदर नहीं होगा।